पर घूम रहा था, तो यहाँ पर एक छोटा सा पिकनिक चल रहा है इन लोगों का, तो इन लोगों ने मुझे अभी इनवाइट किया खाने के लिए, तो मैं मना नहीं कर सका। अच्छा दादा, ये जो गाड़िया है, ये गाड़िया कहाँ से आया था? ये पार्किंग लॉट है ना क्या? ये पार्किंग लॉट है? यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी आपको। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लुकुचुरी गेट, लटन मस्जिद और तातीपारा मस्जिद। सो भाई, इसका नाम है लखपति दरवाज़ा या लुकुचुरी गेट। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये कदम रसूल मस्जिद के दक्षिण पूर्व कोने पर इसे बनवाया गया है। कहा जाता है कि इसे शाह शुजा ने इसे बनवाया था। मुगल स्थापत्य शैली में इस भव्य का संरचना का निर्माण किया था। कहा जाता है ये नाम उस लुका छिपी के खेल से लिया गया है जो राजा अपने बेगम के साथ खेला करते थे। हालांकि इसका निर्माण किसने किया है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसे अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बनवाया था। बता सकते कुछ ये क्या है? नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता आपको? शायद नेम लिखा होगा। सो ये लुकुचुरी के ऑपोजिट में ऐसा दिखता है, ये बोर्ड है, बोर्ड पर दरजा कहता है लुकुचुरी दरजा। लुकुचुरी दरजा ये तो मुझे पता है, लेकिन ये जो घर जैसा दिख रहा है ये क्या है आप लोगों को नहीं पता? तो ये दो मंजिला दरवाज़ा है भाई, दिखने में तो नहीं लग रहा है दो मंजिला दरवाज़ा, लेकिन इसके भीतर से कोई जाने के लिए प्रवेश पथ कदम रसूल मस्जिद से यहाँ पर होके गुजरते थे शायद ना। सो यहाँ पर मुझे दो भाई मिला, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो आप लोगों का नाम क्या है भाई, बता दो। मेरा नाम है अक्षय कुमार मंडल। मेरा नाम सचित्र मंडल। सचित्र मंडल, धन्यवाद भाई आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो यहाँ पे आपको तीन तरफ सर के देखने को मिलेगा। इस तरफ मालदा से आते हुए इस तरफ जाते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर। पता नहीं भाई ये पार्किंग लॉट है या क्या है। अच्छा दादा, ये जो गाड़िया है, ये गाड़िया कहाँ से आया था? ये पार्किंग लॉट है ना क्या? ये पार्किंग लॉट है? हाँ पार्किंग। तो यहाँ पर ये गाड़ी ऐसा क्यों खड़ा क्यों है? आगे बहुत गाड़ी है इसीलिए यहाँ गाड़ी खड़ा है। मतलब अभी अनुमति नहीं मिला है इन गाड़ियों को? वहाँ से धीरे धीरे खाली होगा तो यहाँ से जाएगा, आगे यहाँ भी एक पार्किंग है यहाँ से भी जाएगा, मतलब सीरियल हिसाब से जाता है। सीरियल हिसाब से जाता है। तो एक गाड़ी यहाँ पर कितने दिन रहता है? हम लोग का आज 8 रोज हो गया इधर ही। 8 दिन हो गया? हाँ। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? शायद गाड़ी उतना नहीं खींचता है, बांग्लादेश में उतना लगता है, जगह नहीं रहता है। जगह नहीं रहता है, 100-150 गाड़ी शायद। या ऐसे कुछ मतलब नियम है जो 24 आवर्स में या 24 घंटे में इतना गाड़ी अलाउड है जाने के लिए? गाड़ी 10 बजे, शायद 10 बजे से लेकर 6 बजे तक घुसता है। मैंने मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम शाम छः बजे तक। तो उसमें से पत्थर गाड़ी कुछ छूटता है, कुछ प्याज ऐसा कच्चा माल जो रहता है वो आगे जाने का कोशिश करता है, उसका छोड़ता भी है। और बाकी सब शाम के टाइम जैसे कोई माल कोयल हो, मैदा हो, कुछ भी हो, गेहूँ हो, जो भी हो। आप कहाँ से हो? हम झारखंड से। झारखंड से हैं आप? जी। तो आप ड्राइवर हो शायद? जी सर। तो ये माल यही का ही है, लोकल का ही है, मतलब मालदा की है या झारखंड से आते हैं? नहीं, मालदा से लोड किए हैं बांग्लादेश के लिए। सर अपना अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम आजाद शेख है। धन्यवाद सर, आपको सर बात करके अच्छा लगा। भाई यहाँ पे पार्किंग लॉट से गुजर रहा था, तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से पुलिस थे, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने मतलब वीडियो करना वहाँ पर अलाउ नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे सवाल किया, मैं कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ,
तो उन लोगों को मेरा प्रोफेशनल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भाई। सो काश मैं उन लोगों का वीडियो ले सकता, लेकिन उन लोगों ने अनुमति नहीं दिया वीडियो में आने के लिए। सो यही कहूँगा भाई, थैंक्स। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये भी भाई गेट बंद हुआ है, इसका नाम है तातीपारा मस्जिद है। तो मैंने एक वीडियो में देखा था जो एक टूरिस्ट आए हुए थे, तो यहाँ के जो केयरटेकर है उनसे परमिशन लेके गए हुए थे। इस जगह को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से इसका संभाल कर रखा है इस जगह को। और तातीपारा मस्जिद, यहाँ पर एक पिलर दिख रहा है आपको, अभी इतना सुंदर लग रहा है। सोचो जब ये बनाया गया था कितना सुंदर लग रहा था, अभी भी इसका मतलब जो भी हैंडस्केप किया हुआ है इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। ये कटा कटा के साइज किया है, कितने मेहनत का काम है भाई ये। सो एक पिलर है, इसका जो छत है इसका छत टूट गया है शायद, यहाँ पर नमाज़ें वगैरह पढ़ी जाती थी, इमाम साहब यहाँ पर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ते। मस्जिद भी काफ़ी बड़ा है भाई, और यहाँ से पिलर था भाई, यहाँ से छत था। इस पार का गेट पूरा टूटा हुआ है, तो पीछे की तरफ से देखते हैं कैसा रहता है। ये दरवाजे थे शायद, या घिरा हुआ था पता नहीं, अभी तो खुला है भाई। ये सीढ़ियों जैसा धाप धाप बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है भाई। ये तालाब है, हर एक मस्जिद के पीछे एक तालाब बना हुआ है। पता नहीं यहाँ पर वुजू के लिए शायद बनाया गया था, या पता नहीं, या यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बनवाया है। सो भाई आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो पहले मैंने आपको बताया ये तातीपारा मस्जिद है। तातीपारा का अर्थ है बुनकर बर्ग का क्वार्टर। इस प्राचीन मस्जिद का निर्माण किया था मीर सात खान, पता नहीं मीर सात खान ऐसा ही कुछ नाम है भाई। लगभग तातीपारा मस्जिद से 300 या 400 मीटर अतिक्रम करने के बाद लटन मस्जिद आता है। सो चलिए देखते हैं लटन मस्जिद, लगा हुआ है भाई। नीचे से लगा हुआ है, इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। सो भाई इस मस्जिद के निर्माण में काफ़ी सारी दास्ता है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इसे शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने बनवाया था। इस मस्जिद को बनवाने में मतलब ये संरचना मूल रूप से कीमती पत्थर और रंगों के काफ़ी जटिल काम से जाना जाता है। इस मस्जिद में पिछले कुछ अवशेष अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मस्जिद के अंदर एक धनुषाकार छत है जो मैं अंदर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा, अगर गेट खुला रहा तो। अगर यहाँ पर जो केयरटेकर है वो अगर मुझे अनुमति देंगे तभी जा पाऊँगा। सो चलिए देखते हैं। सो ये रहा अंदर का हिस्सा भाई। इसका अंदर जाने का काफ़ी मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं खुला है या नहीं। अंदर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है भाई। ये जो गम्बूज देख रहे हैं
इसका बनवावट कैसे किया था पता नहीं भाई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत ही मेहनत से इसका एक एक सजावट किया गया है। मैं यहाँ पर घूम रहा था तो यहाँ पर एक छोटा सा पिकनिक चल रहा है इन लोगों का, तो इन लोगों ने मुझे अभी इनवाइट किया खाने के लिए, तो मैं मना नहीं कर सका तो मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सो अभी इनके साथ वनभोजन करूँगा, छोटे से पिकनिक इनके साथ मेरा भी हो जाएगा। मछली खाता है भैया? हाँ दे दीजिए, खाता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब यहाँ पर ऐसे घूम रहा था और इतना अच्छा हॉस्पिटलिटी मुझे मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप कहीं जाते हो तो कुछ भी आप प्लान करके नहीं जाते हो, अनप्लान करके जाते हो, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है, एक अलग से ही फील आता है भाई। तो वैसे भी मैं खाने वाला था, मैं सोच रहा था यहाँ पर कहीं करीब होटल मिल जाए तो खाना खा लूँ, तो यहाँ पर इतना अच्छा मतलब हॉस्पिटल ही मिल गया मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोग एक ही बात कहना चाहता हूँ, इफ़ यू विश टू एक्सप्लोर रिच एंड डाइवर्स ऑफ बंगाल, यू शुड कम टू विजिट गौर, बिकॉज गौर इज़ सो ब्यूटिफुल एंड यू विल फील, आई डोंट नो वॉट टू से, बिकॉज यू ऑल नो दैट द गौर इज ऑलवेज कॉलोनिकल एरिया। सो या मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।